1956 में बाबा साहब नहीं रहते हैं, उससे दो साल पहले 1954 में भारत रत्न अवार्ड शुरू होता है, फर्स्ट भारत रत्न अवार्ड। उस समय जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, गवर्नमेंट के पार्ट हैं, उन्होंने खुद को दे लिया था राधाकृष्णन। इसके बाद नेहरू अगेन डिड द सेम थिंग, विभाजित कैबिनेट, उन्होंने भी खुद को दे लिया। एंड होम मिनिस्टर गोविंद वल्लभ पंत, उसने भी खुद को अवार्ड दे लिया। सो द कैबिनेट विच वाज सपोज्ड टू टेक अ डिसीजन हु शुड बी कंफर्ड भारत रत्न, दे स्टार्टेड गिविंग इट टू देमसेल्फ्स। एंड बाबा साहब हैज टू वेट फॉर 34 इयर्स आफ्टर हिज डेथ टू गेट दैट अवार्ड। और दैट वाज द ईयर when Baba Sahab's portrait was put on the wall of Parliament also, the Lok Sabha. Now the question is, why Baba Sahab, who was framer of the Constitution, one of the lead author of the Constitution, it's not that he wrote it, but he was the lead author as chairperson of the drafting committee. And if you read the text of all those constitution assembly debate, you will find his footprints on almost every page, every chapter. He answered to all the questions, all the apprehensions. So he was there in everywhere. But still, he was the law minister, first law minister. And in a way, he was the nation maker, because unlike many other leaders, he was one of those who has entire India in his consideration. He was not leader of Savarna Hindus or Mail or North India or South India or whatever. So he has the complete that idea of a nation which was there in his mind, which that idea he drew from the French scholar Hans Renan, that nation should be something which has at least three characteristics, and one of those characteristics is shared joy, shared sorrow, and shared dream. This, if any community who lives in a geographical location, if they fulfill these three criteria, one is shared joy, second is shared sorrow, and third is shared dream, only those persons can be called a nation. Teen criteria, साथ में रो सकते हैं कि नहीं, साथ में हंस सकते हैं कि नहीं, और साथ में ड्रीम देख सकते हैं कि नहीं। आप मुझे बताइए कि इनमें से तीन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, वट कैन बी द मोस्ट क्रिटिकल थिंग। साथ में रोना, साथ में हंसना, साथ में सपने देखना, ये तीन क्राइटेरिया मैंने बताया। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा? नो, साथ में रोना। अगर आप किसी के दुख में साथ नहीं रो सकते हैं, जस्ट आप एक इमेजिन कीजिए एक सिनेरियो, समथिंग इज हैपनिंग टू तमिल पीपल, एंड इफ दैट यू डोंट एम्पैथाइज विद देम एज अ नॉर्थ इंडियन, और समथिंग इज हैपनिंग टू सिक्स और सम कम्युनिटी, रविदासिया कम्युनिटी और टू दलित, और अगर उसका प्रोटेस्ट करने का सारा मनस अगर दलितों पे है, हरियाणा में अगर दलितों पर रेप होता है और प्रोटेस्ट करने का ओनस अगर सिर्फ दलितों का है, देन यू आर नॉट नेशन, देन यू आर ग्रुप ऑफ गैंग्स। ये हमारा दुख है, हमारे लोग दुखी हैं, आपका दुख है तो आप दुखी रहो। ये जो आइडिया है नेशन का, दैट इज ए फिलोसॉफिकल आइडिया। ये एक्चुअली आपका पासपोर्ट जो है वो आपका नेशन नहीं डिफाइन करता है। अगर आपको साथ मिलकर आपने कुछ अच्छा पास्ट में नहीं किया है, और साथ मिलकर कुछ अच्छा आगे करने का कोई ड्रीम आपके पास नहीं है, तो आप नेशन नहीं है। फिर आप क्या हैं? या मेन कंट्रडिक्टिंग पॉइंट इज अ नेशन व्हिच कैन नॉट क्राई टुगेदर, वीप टुगेदर, इज नॉट अ नेशन। राइट, that's the idea of nation, what Baba Sahib was. I'm trying to find in the book Thoughts on Pakistan, you can read that very important text, that what is Baba Sahib's idea of a nation.
तो ये साथ में चलना और साथ में आगे की और भी बहुत कुछ करने का जो है, इट्स डेली रेफरेंडम एक्चुअली, ये हम डेली अपने आप को बताते हैं कि हम नेशन के पार्ट हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये जो आइडिया है साहब का, ये एक यूटोपिया है, इट्स कांट बी इम्प्लीमेंटेड 100%, एकदम ऐसा नहीं हो सकता कि दिस इज आइडियल टाइप, दिस इज नॉर्मेटिव आइडिया कि नेशन को ऐसा होना चाहिए। सो डिवाइडेड राइट, सो नेशन आपको क्या, द क्वेश्चन इज व्हाट इज नॉट ए नेशन, देश क्या नहीं है, क्या यस, तो रिलीजन जो है वो नेशन नहीं बना सकता है, क्योंकि जब क्रिश्चियनिटी फॉलो करने वाले 60 देश होंगे, तो अदरवाइज अगर क्रिश्चियनिटी नेशन को डिफाइन करती तो सारे क्रिश्चियन जहाँ भी दुनिया में है उनका एक नेशन होता, तो रिलीजन या मुस्लिम जो है उनका एक नेशन होता, इवन भारत और नेपाल को फिर एक नेशन होना चाहिए, तो रिलीजन नेशन नहीं बना सकता। इवन रेस कैन नॉट डिफाइन ए नेशन, बिकॉज जैसे एंग्लो सैक्सन्स हैं उनके 50 देश हैं, जो अगर रेस और एथनिटिसिटी के हिसाब से जो ब्लैक्स हैं वो भी 30-40 देश हैं, तो नेशन रेस नहीं है, नेशन जो है रिलीजन नहीं है, नेशन लैंग्वेज नहीं है, नेशन इज नॉट इवन ज्योग्राफिकल लोकेशन, कि दो पहाड़ के बीच में एक नेशन होगा या पहाड़ और समंदर के बीच में एक नेशन होगा, ये भी नेशन नहीं है। इवन कॉमन इंटरेस्ट भी नेशन नहीं है, कॉमन इंटरेस्ट अगर नेशन होता तो यूरोपियन यूनियन के ज्यादातर देशों का एक नेशन होना चाहिए। सो ये पांच चीजें नेशन नहीं है, रिलीजन नेशन नहीं है, लैंग्वेज नेशन नहीं है, रेस नेशन नहीं है, कॉमन इंटरेस्ट नेशन नहीं है, और ज्योग्राफी जो है वो नेशन नहीं है। तो ये इतना जो ब्रॉड आइडिया बाबा साहब ने नेशन का दिया, एक बहुत सुनन और बहुत ही नोबल आइडिया है, उस आदमी को भारत रत्न के लिए 34 ईयर्स तो नहीं रहने के बाद उनका इंतजार करना पड़ा, उससे उसके भी इससे पहले काने को मिल गया, करवे को मिल गया, मतलब किसको नहीं मिल गया, तो लेकिन बाबा साहब को वेट करना पड़ा। सो ये जो बाबा साहब की ट्रेजेक्ट्री है, फ्रॉम अ विलेज और टाउनशिप इन मऊ टू टिल हिज परिनिर्वाण टू 1991 एंड अभी 2023, सो 56 से 2023 67 ईयर्स। अभी आप देखिए, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टाइम है, इसलिए क्योंकि वो आदमी मरने के बाद बड़ा होता चला गया, हिज लेगेसी कंटिन्यू एंड जो उनकी शैडो है, उनकी जो छाया है, जो छाया पड़ती है ना, वो अब लंबी और गहरी होती जा रही है और इतनी बड़ी हो गई है कि मुझे लगता है कि सिर्फ यूएस में 40-50 सेलिब्रेशंस तो होंगे ही पिछले अगले 15-20 दिन में। सो ये एक जिस आदमी को मरने के बाद पूरे पेज का कवरेज नहीं मिला, वो आदमी मरने के 67 ईयर्स के बाद एक ग्लोबल आइकन के तौर पर इमर्ज कर गया। सो ये कैसे हुआ होगा इसको मैं अपने स्पीच में बता दूँ। इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो बाबा साहब को पसंद नहीं भी करते हैं, इवन दोज हु हेट हिम, उनके लिए मजबूरी है कि बाबा साहब की जयंती तो मनानी पड़ेगी। तो बाबा साहब का काम नहीं चल रहा है, आप पसंद करते हो नहीं करते हो, सॉल्ट वगैरह डिफरेंट पैटर्न है, अलग चीज है, लेकिन इस समय इंडिया का कोई भी स्टेट बाबा साहब की जयंती को छुट्टी नहीं देगा, ये नहीं हो सकता है। कोई चीफ मिनिस्टर किसी भी पॉलिटिकल फॉर्मेशन का, किसी भी आइडियोलॉजी का बाबा साहब की जयंती के दिन फूल नहीं चढ़ाएगा, ये दिस इज नाउ इज इम्पॉसिबिलिटी, यू जस्ट कांट इमेजिन समबडी डूइंग दिस। सो दिस इज हाउ समबडी बिकम्स ब्रेव आफ्टर हिज और हर डेथ। तो भाई मैं सोच रहा था, मतलब मैंने पूरा लोगों के लिए पूरा स्पीच लिखा है, मैंने ऐसा नहीं कि लिखा नहीं है, हाई स्पीच, लेकिन उसको मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि वो जब आप लोगों ने मुझे क्वेश्चन आंसर किया उसके बाद दैट हम्बल्ड मी, मतलब बहुत कॉन्फिडेंस मेरा हिल गया कि अब क्या बताऊँगा वहाँ साहब की लाइफ में, चार गलत बोल दिया तो और प्रॉब्लम इतना ज़्यादा नहीं है। सो ये जो दैट इज ये जो पूरा इशू है इसको मैं थोड़ा और कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ कि बाबा साहब ने
लेकिन आप एक्चुअली ऐसा क्या किया होगा जिसकी वजह से ये जो उनका असर है वो लगातार गाढ़ा और गहरा हो रहा है। राइट, तो इतने से समय में अगर बाबा साहब ने जो किया, जो पॉलिसी फ्रेम की, जैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इसकी वजह से अगर 10 करोड़ उन लोगों का मिडिल क्लास बन गया जो वो पॉलिसी नहीं रहती, तो वो मिडिल क्लास नहीं बनता। मेरे ख्याल से ये वर्ल्ड हिस्ट्री की सबसे बड़ी रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड हिस्ट्री की सबसे बड़ी चेंज होगी। आप अगर वर्ल्ड हिस्ट्री को देखो और पूरे ग्लोबल वर्ल्ड हिस्ट्री को देखो, तो किसी एक आदमी ने क्या इतनी बड़ी पॉपुलेशन की लाइफ को इतने तरीके से, पॉजिटिव तरीके से, क्या किसी और ने इम्पैक्ट किया होगा? 10 करोड़ में मैं उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड बिकॉज ऑफ आर्टिकल 340 ओबीसी को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, तो इसके अंदर अगर 10 करोड़ का ये अगर ये एक पॉलिसी ट्वीकिंग अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं रहती 15(4) एंड 16(4) और आर्टिकल 340, 341, 342 ये अगर कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने डिबेट करके अगर इसको इंसर्ट नहीं कराया होता और रिजर्वेशन नहीं होता, तो ऐसा भी है कि सारे लोग मर जाते, लेकिन इतना स्मूथ ट्रांजिशन, सीमलेस, विदाउट वायलेंस, बिल्कुल स्मूथली इतने लोग की लाइफ एलिवेट होकर एक लेवल पर पहुंच जाती है, आई थिंक इतना पीसफुल, इतने ज्यादा इम्पैक्ट वाला और कोई सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस मुझे वर्ल्ड हिस्ट्री में नहीं दिखता है। नंबर टू, इन आर्टिकल 17 ही एबोलिश्ड अनटचेबल, दैट बिकम इलीगल बिकॉज ऑफ आर्टिकल 17, दैट आल्सो चेंज्ड लाइफ, दैट आल्सो चेंज्ड सोसाइटी फॉर गुड। एंड व्हाट ही कंटेम्प्लेटेड इन हिंदू कोड बिल विच He was not able to pass it during his tenure as law minister and he finally resigned. But later on, all those parts of the court bill are later on passed by the Nehru cabinet, later on, part by part. Property right of women in ancestral property, right to divorce, right to marry different castes. So many empowering things that happened, and that was his unique contribution to Indian body politics, Indian society. Nobody in the entire list, galaxy of leaders of that time, not Gandhi, no Raj Gopalachari, no Sardar Patel, nobody even thought about it. Actually, most of them opposed. So, women empowerment is one arena where Baba Sahab stood so tall that nobody even can try to touch him. तो वो इस गैप इतना ज्यादा है। बाबा साहब ने विमेन एम्पावरमेंट का जो काम किया और वो बाकी लोग जहाँ सोच रहे थे विमेन एम्पावरमेंट को लेकर, उसके बीच का गैप इतना ज्यादा है कि नेहरू अगर जंप करे ना तो भी वो उसको उस आइडिया को टच नहीं कर सकते। इवन हिज लाइफ वाज इंस्पिरेशन इन सो मेनी वेज, क्या टफेस्ट सिचुएशन में अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट कैसे बाहर निकाल के ला सकते हैं, मतलब तो जो आप स्कूल में क्लासरूम के बाहर बैठे हुए हैं, पानी आप नहीं पी सकते हैं, साथ में खाना नहीं खा सकते हैं, आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो आप गाड़ी में जाएंगे तो गाड़ी से उतार के जा सकते हैं, आपको कार्ड नहीं मिलेगा, वहां से लेकर कोलंबिया स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आप एक लाइफ में कितना ट्रांजिशन ले सकते हैं इन टफेस्ट ऑफ सिचुएशन, मुझे लगता है कि वो लाइफ भी अपने आप में एक किसी ने लाइफ। सो दिस इज माई फोर्थ पॉइंट जो मैं आप बता रहे हैं कि 1956 में बाबा साहब जो सिंगल कॉलम एंड डबल कॉलम से आज वो फुल पेज और यूएन तक गए हैं। सो दिस थिंग्स एक्चुअली मेक्स रादर बाबा साहब लीगेसी एटर्नल मोस्ट पावरफुल पर्सना ऑफ रिसेंट इंडियन हिस्ट्री एंड दैट मेक्स हिम यूनिक, और इसकी वजह से आई थिंक बाबा साहब को अब उनका जो व्यू है, ऐसा नहीं है कि वो कोई ऐसा क्लेम कर रहे हैं जो उनका क्लेम नहीं है। सो एक इसको हम लोग बोलते हैं कि स्टेज पर पहले वो जोकर और साइड शोज और पूरा
बस चल रहा था, जो लीड एक्टर था वो अब स्टेज पर आया। मतलब इतने दिन तक जो चल रहा था वो साइड शो था, वो जो मतलब जैसे नाटक वगैरह में होता है ना कि जो मतलब जो मेन शो शुरू होने से पहले भीड़ जुटाने के लिए कुछ कुछ वो करते हैं ना, लुकी बजाते हैं कुछ, इसके बाद की जो हमारी जर्नी होगी। और इसको सिर्फ अगर आप पॉलिटिक्स से देख रहे हैं, इफ यू हैव वन गेज वन लेंस, तो शायद पूरे बात आपको हम नहीं देख पा रहे हैं। फिर हम उसके पूरे कोलाज का एक कॉर्नर देख रहे हैं और मान रहे हैं उसको जस्ट सपोज करके ला रहे हैं कि ये पूरा भाषा है, सो जो कि वो नहीं है। इवन दैट इज रॉन्ग रीडिंग ऑफ बाबा साहब, अगर कोई कहे कि सिर्फ पॉलिटिक्स इज द ओनली एरिना वेयर वी हैव टू एक्सेल, क्योंकि बाबा साहब जिस समय पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिस समय वो आरपीआई बना रहे हैं, उसी समय वो कॉलेज भी खोल रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी का काम जिसमें कर रहे हैं, वो अगर पॉलिटिक्स अकेला रहना होता तो बाबा साहब उस समय कॉलेज क्यों खोल रहे हैं? ठीक है, मेरी सरकार बन जाएगी, तो मैं सारे कॉलेज खोल दूंगा। नेवर वेटेड फॉर दैट, मतलब उसने अपनी गवर्नमेंट बन जाएगी तो कर लूंगा, ये एक्चुअली बहुत ही बाबा साहब की रॉन्ग रीडिंग है कि हमें पॉलिटिक्स के थ्रू ही सब कुछ अचीव करना है। और पॉलिटिक्स के थ्रू, अगर सिर्फ पॉलिटिक्स के थ्रू जब अगर अचीव करेंगे तो बिकॉज सोसाइटी उसके लिए फिर तैयार नहीं, तो उसको सस्टेन भी नहीं कर पाएगी। आप पॉलिटिक्स में आप कभी एक्सेल कर जाएंगे और पॉलिटिक्स आप गिर भी जाएंगे। अच्छा, अब ये एक और कुछ एरिनाज हैं जिसके बाबा साहब की कुछ लाइफ के कुछ और पार्ट्स हैं जिसने बाबा साहब को आप उनके नहीं रहने के बाद बड़ा बनाया। उसमें है कि वो एक तो नेशन को मॉडर्न बनाने का, इंडियन मॉडर्निटी किस तरह की होगी, व्हाट विल बी द शेप और कंटूर ऑफ दैट, ये एक फ्रेम उनके पास है, ये एक यूनिक तरीके से देखने का जो नजरिया है वो उनके पास है। तो आपको रिवर वैली सिस्टम इंडिया में होना चाहिए, इसका भी अगर आप बेसिक कोर डॉक्यूमेंट देखने जाएंगे कि जैसे टेनेसी रिवर यहाँ पर वैली प्रोजेक्ट बना था तो इंडिया में दामोदर वैली बनना चाहिए, इसका अगर फर्स्ट डॉक्यूमेंट आप हिस्ट्री में ट्रेस करेंगे, आप गूगल के थ्रू जाइए या किसी रिसर्च पेपर के थ्रू जाइए या बुक के थ्रू जाइए, फर्स्ट आइडिया टू हैव रिवर वैलीज डैम्स और उससे पावर और उससे इरीगेशन का वाटर, ये कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया आपको फिर बाबा साहब के लिटरेचर में मिलेगा आपको ये, और उससे पहले नहीं। सो इवन पायनियर इन सो मेनी फील्ड्स। एक्चुअली जब हम बाबा साहब को देखते हैं तो कई बार हमें लगता है कि दलितों के मसीहा है, मतलब उसको फिर भी बहुत रिड्यूस कर रहे हैं, ये कंप्लीट बाबा साहब नहीं। मतलब आपको आरबीआई कैसी होनी चाहिए, मॉनिटरी पॉलिसी कैसी होनी चाहिए से लेकर आपको जो माइंस में काम कर रही हैं, जो औरतें हैं उनको छुट्टी कितनी देनी चाहिए, उनको लैंड अंदर पिट में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, प्रेग्नेंट अगर है तो फिर उनको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये जो वास्टनेस ऑफ हिज आइडिया है ना, ये मुझे लगता है कि दैट मेक्स हिम यूनिक, अदरवाइज उससे ज्यादा पावरफुल नहीं रहते उस समय। और इलेक्शन उन्होंने मान ली जीता भी नहीं है, एक आदमी जो इलेक्शन हार रहा है वो आदमी इतना बड़ा बन रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी इसको मेरे ख्याल से ये जो वास्टनेस ऑफ हिज आइडिया ये दैट इज आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम बाबा साहब का एसेसमेंट करते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं अनआंसर्ड छोड़ रहा हूँ आपके लिए, जस्ट थिंक ओवर इट। मैं आपको इसमें कुछ अपने मेरी जो अपनी इनसाइट है जो मुझे मालूम है कि कंप्लीट नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी तक शायद एकेडमिया में भी बहुत ज़्यादा पूछा नहीं गया है कि बाबा साहब को किस चीज़ ने बाबा साहब बनाया। अभी तक जो हो रहा है वो बाबा साहब को देखने का जो प्राइम लेंस है, जो बाबा साहब को देखने का जो सबसे पॉपुलर तरीका है एकेडमिक्स में, वो है बाबा साहब को गांधी वर्सेस बाबा साहब डिबेट में लोगों ने देखने की कोशिश की है। सो ये जो तरीका है मेरे ख्याल से
ये पास आपको समझने में पूरा मदद नहीं करता। विलेज जो है वो प्राइमरी यूनिट होगा ऑफ द नेशन। गांव एक सेल्फ सफिशिएंट यूनिट होंगे, वहां सारे लोग रहेंगे, अपना सिस्टम को मानेंगे, अपना अपना काम करेंगे और सेल्फ सस्टेनिंग विलेज होगा। अभी आप 2023 में अगर ये कोई बोलेगा तो उस आदमी को कहेगा कि सारे नेशन को गांव में चले जाना चाहिए, मतलब इट्स एब्सर्ड। अभी अब आप इस समय ये एक्चुअली देखिए, किसी आदमी को अगर आने वाला 100 साल भी नहीं देख पा रहा है, कोई बड़ा विजनरी अगर है, अगर उसके पास ये लेंस नहीं है कि आज से 50 साल बाद, 60 साल बाद, 100 साल बाद दुनिया कैसी होगी, फिर वो विजनरी नहीं है ना। कहा साहब देख पा रहे थे कि ऑथेंटिक तरफ दुनिया जा रही है, गांधी देख रहे थे गांव की तरफ जाना चाहिए। नाउ टू कंटेस्टिंग आइडियाज, दो अलग अलग आइडियाज कंटेस्टेशन में है। आप देख सकते हैं कि गांधी का आइडिया आज कहां पर है और दुनिया आज कहां पर है। सो ये आइडिया एक्चुअली इस तरह के आइडियाज कि लड़कियों को अपने इंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलना चाहिए, ये आइडिया, और दूसरा की लड़कियों को मिलना चाहिए, दो आइडिया के कंटेस्टेशन आप देख लीजिए कौन सा आइडिया क्लियर है। So, या हर जाति को अपना जाति का काम करना चाहिए। दूसरा आइडिया है कि हर किसी को जो भी अपॉर्चुनिटी है जिसमें वो एक्सेल कर रहा है वो काम करना चाहिए, दो आइडिया देखेंगे कौन सा आइडिया क्लियर है। तो मुझे लगता है कि आइडिया क्लियर आई थी जिसमें कि अम्बेडकर ने अपने सारे कंटेम्पररीज से लड़ाई जीत ली है। सो वी आर हियर टू सेलिब्रेट दैट विक्ट्री ऑफ बाबा साहब एंड दैट विक्ट्री इज Making our sound a lot like. So the analysis of the important is simple. That Gandhi says, go back to the villages. Ambedkar says, leave the village. Migrate to cities. Leave the cities, migrate to become international. And that idea of Ambedkar has now taken shape, and now it's Ambedkar's era. So welcome to the Ambedkar. Yeah, Ambedkar.